This is wonderful, wonderful afternoon, I believe. And very grateful leadership of the Jamaat Islami, Senators Siraj ul Haq Sahab, Naeem Sahab, and other all distinguished guests. तो बस दो दो बातें कहने के वो करते हैं ताकि ये सेनेट में जाएं या जहां भी दुनिया में जाएं, ये दो बातें जरा पूछ के मुझे बताएं. तो जरा गौर तलब बात है, हजरत दाऊद और उनका बेटा सुलेमान, जिसको ताकत मिली, हुकूमत मिली, वो लोहार थे. उनका पेशा लोहार का था और नरम कर देते थे लोहा अपने हाथ में. तो तभी जबूर में, जब वो जबूर आपको पता होगा कि नज़मों की किताब है, नज़मों की इल्हामी किताब है, शायरी है अल्लाह की. तो जब जबूर पढ़ते थे लोगों के दिल नरम होते थे. तो वो कौन था? लोहार. और उसकी उम्मत कौन है? यहूदी. अब दूसरे हमारे मतलब के मानने वाले, दूसरे हमारे जो बड़ी है उम्मत, ये बड़े गौर से सुनना है हम सबने, वो कौन है? ईसाई. तो हजरत ईसा अपने लूका में, जो उनकी मुकद्दस जो अनाजील है, मुक्त चार अनाजील, उसको एक किताब में लिखते हैं, मैं चरावा हूं, चरवाहा है ना, शेपर्ड, बकरियां चराने वाला, वो अपना ये टाइटल बताते हैं. तो यहूदी की उम्मत मतलब लोहार की उम्मत, चरावे की उम्मत. आका अलैहिस्सलाम कौन है? वो क्या कहते हैं अपने आप को? बुखारी की दूसरी या शायद तीसरी जिल्द में फरमाते हैं कि मुझे उस्ताद बनाया, मौलिम. मतलब उनका काम टीचिंग था, टीचिंग करते थे, उनका काम टीचिंग था. तो सवाल यह बनता है सेनेटर साहब कि चरावे की उम्मत यहूदी कहां है और लोहार की उम्मत जो अपना कहां पहुंच गई, जो ईसाई है, और जो मौलिम की उम्मत है, जो इल्म देने वाला है, वो दुनिया में सबसे बड़ी, आपको पता है कितनी पढ़ी लिखी है. तो ये मौलिम के साथ ज्यादती क्यों हुई? और बस आखिरी दूसरा सवाल जो आप कहीं कर दीजिएगा अगर जवाब मिल जाए, सादिक और अमीन, ये दो नामों से काफर भी जानते थे, इज्जत करते थे, मुसलमान तो करते ही हैं अब आका अलैहिस्सलाम की. सिर्फ ये पूछना है कि सच्चे की उम्मत इतनी झूठी क्यों है और अमीन की उम्मत इतनी चोर क्यों है? थैंक यू वेरी मच.